मैंने तुम्हारा नाम अल्तुतान रखा है क्योंकि हम मिलकर शहरों की हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन अब सारे फितने मुत्तहिद हो चुके हैं और जो हमारे पास है उन्हें वो चाहिए। तुम अपने खुरों के नीचे काफिरों की जमीनें कुचलने वाले थे, लेकिन अब वो मुत्तहिद होकर हमारी जमीनों पर काबिज होना चाहते हैं। बगैर किसी वजह के इस तलवार को नहीं उठाता मैं, ना ही बिला वजह तुम्हें जंगी सामान पहनाया है। ये जो कुछ भी है आसान नहीं है, जो खून से हासिल किया है खून से ही दिया जा सकता है। उन्हें न सिर्फ हमारा खून चाहिए बल्कि वो हमें बेगुनाहों के खून की धमकियां दे रहे हैं। नहीं, हथियार तो हम कभी नहीं डालेंगे, अपने हथियार हम कभी नहीं डालेंगे, हथियार कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। क्या मैं इसलिए हथियार नहीं डालना चाहता कि वो सोचेंगे कि डर गया हूं मैं? हाँ, नहीं, डरने से भी कोई डर नहीं मुझे। वो जो सोचना चाहते हैं सोचने दो उन्हें, लेकिन अगर नहीं माना मैं तो हम दो रियासतों के दरमियान कुचले जाएंगे। रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था खत्म हो जाएगा। अगर मैं वो कला दे दूं उन्हें तो उसके बावजूद भी मैं बाज नहीं आऊंगा। जान की फिक्र करने वाले पहले ही लौट गए और वो जो हमारी पैरवी करते हैं जान देने के लिए हरदम तैयार है। हमें हथियार डालने चाहिए। वो सब क्या सोचेंगे जो मेरी पैरवी कर रहे हैं? वो मेरे हथियार डालने पर मायूस हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हो सोचो उस्मान, उस्मान, उस्मान। हम ऐसे मकाम पर हैं जहां सोचकर हल नहीं निकलता। ओह या रब्बे, ए मेरे अल्लाह, हर शय का तू मालिक है मेरे रब्बे करीम। यहां मुझे तू ही रास्ता दिखा सकता है। सामने देखो तो आग है, पीछे सैलाब है। या रब्बे, तू ही रहम करने वाला है, तू ही है जो हर चीज जानता है, हर चीज तू देखता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन, आमीन।